हरियाली अमावस्या 2024। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण के बाद करे पितृ चालीसा का पाठ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। हरियाली अमावस्या 2024। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण के बाद करें पितृ चालीसा का पाठ। हरियाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन किसी भी प्रकार का नया कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अवधि धार्मिक कार्यों के लिए बहुत लाभकारी होती है। ये हर साल सावन के दौरान आती है। इस साल ये अमावस्या 4 अगस्त को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अवधि धार्मिक कार्यों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इस साल ये अमावस्या 4 अगस्त को मनाई जाएगी। सावन माह में आने वाले अमावस्या का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि ये दिन दान पुण्य और पूजा पाठ के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा ये दिन पितरों के तर्पण के लिए भी विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्रों में इस तिथि को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए। बता दें, इस बार अमावस्या 4 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। जो लोग इस दिन पितरों के तर्पण के साथ उनकी चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मानव जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की छाया जी। एक बार फिर से बता देती हूँ, हरियाली अमावस्या जो है वो 4 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। कैसी लगी आप सबको हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।